हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्क्रैच सॉफ्टवेयर स्टूडेंट स्क्रैच इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच यू कैन क्रिएट इंट्रैक्टिव स्टोरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच इन दिस वीडियो सो वॉच द वीडियो केयरफुली देखिए स्टूडेंट सबसे पहले ये जो लेफ्ट मोस्ट एरिया है स्क्रैच स्क्रीन का इसके अंदर अलग अलग कलर्स के जो ब्लॉक्स आ रहे हैं इसे हम बोलते हैं ब्लॉक्स पैलेट ब्लॉक्स पैलेट में अलग अलग डिफरेंट कलर के जो कलर्स आ रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं आप देखेंगे जैसे कि मोशन ब्लॉक लुक्स साउंड एट्सेट्रा जिस ब्लॉक के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जो आपकी ऑप्शन हैं और भी सिमिलर ब्लॉक्स हैं वो आपके इस जगह पर ओपन हो जाएंगे और नेक्स्ट पार्ट इज स्क्रिप्ट एरिया दिस वन इज स्क्रिप्ट एरिया ये है आपका स्क्रिप्ट एरिया जो भी ब्लॉक आप इस साइड से ड्रैग करके यहां पर लेकर आएंगे ये आपका स्क्रिप्ट एरिया में सेट हो जाएगा इट मीन्स आप अपनी स्टोरी की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं स्क्रिप्ट एरिया इज द एरिया वेयर वी क्रिएट कोड्स यूजिंग डिफरेंट ब्लॉक्स। देखिए जैसे मैंने यहां से ब्लॉक्स को ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में रखा है तो आपकी ये स्क्रिप्ट के लिए ब्लॉक्स रेडी हैं एंड दिस वन इज स्टेज द स्टेज इज द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रैच स्क्रीन ये एक ऐसा एरिया है वेयर वी कैन रन आवर प्रोजेक्ट हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे इसीलिए इसे कहते हैं स्टेज जो भी हमारे प्रोजेक्ट की आउटपुट है वो हमारी यहाँ पर स्टेज पर अपीयर होगी एंड स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर ग्रीन फ्लैग द ग्रीन फ्लैग इज यूज टू रन द प्रोजेक्ट यहां से जब आप ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगा यानी कि रन करेगा और जब उस प्रोजेक्ट को आपको स्टॉप करना है तो आप ये रेड बटन इसे बोलते हैं स्टॉप बटन इसके ऊपर क्लिक करेंगे हेयर यू कैन सी राइट बिलो द स्टेज बिल्कुल स्टेज के नीचे आपको यहाँ पर मिलता है स्प्राइट पेन स्प्राइट पेन क्या है स्टूडेंट्स स्प्राइट पेन हेल्प्स यू टू चूज अ स्प्राइट जब भी आपको स्प्राइट यानी कि करेक्टर जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें भी कैट है तो आपको जो ये करेक्टर चूज करना है वो आपको स्प्राइट पेन से करना है यू कैन चूज अ स्प्राइट अपलोड अ स्प्राइट एंड टू ड्रॉ एंड पेंट अवर ऑन स्प्राइट जो भी काम हमें स्प्राइट पेन के करने हैं वो हम इस स्प्राइट एरिया से स्प्राइट पेन में से कर सकते हैं हेयर इज द बटन इज टू चूज अ स्प्राइट इस बटन पे क्लिक करने से आपको चूज अ स्प्राइट अपलोड और पेंट ये सारी ऑप्शन मिल जाएंगी और स्टूडेंट्स अगर आपको अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्लाइड को स्प्राइट को हाइड करना है तो आप उस स्प्राइट पे क्लिक करेंगे जो स्प्राइट यहाँ पर आपको शो हो रही है कि कितनी स्प्राइट्स आप इस प्रोजेक्ट में ले चुके हैं जो स्प्राइट आपको डिलीट करनी है आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पर ये यह सिंबल आपको शो हो जाएगा इसके ऊपर क्लिक करने से आप अपनी स्प्राइट को डिलीट कर पाएंगे नेक्स्ट दिस वन इज़ बैकड्रॉप पेन बैकड्रॉप क्या होती है बैकड्रॉप इज़ अ बैकग्राउंड जब हम अपनी इंटरेक्टिव स्टोरी बना रहे हैं तो हमें बैकग्राउंड भी उसके अकॉर्डिंग ही चाहिए तो बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे बैकड्रॉप पेन में भी आपको सारी ऑप्शंस मिलती हैं कि आपको अपनी स्प्राइट जो बैकड्रॉप बैकड्रॉप है उसे अपलोड करना है न्यू लेनी है ड्रॉ करनी है या फिर कोई भी बैकड्रॉप चूज करनी है दिस वन इज़ टैब एरिया टैब एरिया में आपको थ्री टैब्स मिलेंगे कोड टैब कॉस्ट्यूम्स टैब साउंड टैब इन टैब्स के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी कोड्स के अंदर हमें सारे ब्लॉक्स मिलते हैं कॉस्ट्यूम्स टैब में हमें अपनी स्पाइट की अपीयरेंस चेंज करने की ऑप्शन मिलती है साउंड टैब में हमें साउंड ऑप्शन मिलती हैं अगर आप साउंड अप्लाई करना चाहते हो बीच में एंड द लास्ट वन इज मेन्यू बार दिस वन इज मेन्यू बार सबसे ऊपर जो आपका आ रहा है ये एडिट होम ट्यूटोरियल स्क्रैच प्रोजेक्ट ये हमारा मेन्यू बार है इन विच वी कैन यूज ऑप्शन टू सेव अ प्रोजेक्ट ओपन अ प्रोजेक्ट और स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट जब भी हमें कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो हमें होम बटन जो होम पिक्चर बनी हुई है छोटी सी इसके ऊपर क्लिक करना है और हम अपने मेन्यू बार के अंदर ही प्रोजेक्ट का अगर हमने नेम गिवन दिया है मतलब दिया हुआ है तो हम उस प्रोजेक्ट को वहाँ से देख भी सकते हैं ओके स्टूडेंट्स वॉच इट एंड डू प्रैक्टिस ऑफ इट गुड बाय